मीटर यार कुछ छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। बंद होगी ना बाइक तो आपको मीटर अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे ही ऑन होगा ना आपको पता चल जाएगा भाई स्क्रीन है इसकी इतनी, देखने में राउंड है स्क्वायर। सर्विस इसकी पड़ेगी आपकी 2300 समथिंग की। दे माइलेज का क्या फीडबैक है इसकी भाई? 2930 अभी मेरे को मिल चुकी है इस बाइक में म्यूचुअल चलाने पे। कंफर्ट में कि आपको थोड़ा यहाँ पे कुशन एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा बैक में, तो आप चलाओगे बाइक तो आपको एक थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी। जो इसके साथ सीट आती है ना मेरे को वो थोड़ी परेशान कर रही थी। चार्ले है और हीरो दोनों का कंबाइन है, तो एक्चुअल में अफोर्डेबल है इनके पार्ट्स भी अगर मैं पूछूं तो? पार्ट अफोर्डेबल है, ये आप ये लगा के चलो ये 6000 के अंदर इसकी सारी एक्सेसरी आ जाती है सारी। ये मेरे को लगता नहीं है कि अभी तक की किसी गाड़ी में आया इंडिया की। SOS बटन, इस बटन उसके लिए आपको ये लिफ्ट करना पड़ेगा, सेफ्टी लॉक हट जाएगा, उसके बाद आप ये बटन एक्सेस कर सकते हैं। इस बटन से क्या होगा, जो भी आप ऐप में 2 कॉन्टैक्ट या 3 कॉन्टैक्ट डालोगे अपने फैमिली के फ्रेंड्स के डाल सकते हो, जैसे ही आपने बटन प्रेस करा उनके पास आपकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी भाई ये बंदा ये बाइक डेंजर में है। साथ ही साथ में आपकी लोकेशन भी पहुंच जाएगी। तो भाई आज अपने सामने खड़ी है हार्ले डेविडसन की 440X, हीरो की कह लो या हार्ले की कह लो वो तो आप सब लोगों को पता है कि अच्छे से दोनों का कंबाइन होकर ये गाड़ी आई है इंडियन मार्केट में। और दिवाली निकल चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग ना कंफ्यूज हैं ड्यूक 390 में, अपाची RTR 310 में, स्पीड 400 में, हार्ले में, ड्यूक 250 में, मतलब 300-400 सीसी के सेगमेंट में इतना ज़्यादा तहलका मच चुका है इन 2 महीनों के अंदर। इतनी सारी बाइकें लॉन्च हो गई हैं कि लोगों का ना दिमाग चकरा गया कि भाई कौन सी बाइक ले कौन सी ना ले। तो आज अपने पास आई है हार्ले की 440X, तो इसके बारे में कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज और जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप लोगों के काम के वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आप 360 देख लो। और मैं प्रैक्टिकल एक बात बताऊं, मैंने जो वीडियो वगैरह में देखी थी या फोटो वगैरह में देखी थी अभी तो मैंने सामने से देखी नहीं, अब देखी थी तो सामने बहुत ज़्यादा बल्कि ऐसा लगता नहीं है कि ये 400 सीसी की है, ऐसा लगता है कोई 800 सीसी की जो हार्ले चलती है ना वो वाली गाड़ी लगती है। और आज इसका मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ना मैं कोई रिव्यू दूंगा, ना कुछ के पॉइंट बताऊंगा, ना कोई डिसएडवांटेज, जो भी होगा जो ऑनरशिप एक्सपीरियंस है ना जो चला रहे हैं 1 महीने से 1.5 महीने से 2000 किलोमीटर इन्होंने कवर अप कर लिया, तो वही अपना एक 2000 किलोमीटर का एक फीडबैक देंगे कि किन लोगों के लिए गाड़ी बढ़िया है किन लोगों के लिए बढ़िया नहीं है। तो कैसे हो जतिन भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप कैसे हो? जतिन भाई हैं इस गाड़ी के ओनर, बहुत टाइम से तो नहीं 1.5 महीने से इस गाड़ी को चला, 1.5 महीने से इसको चला रहे हो। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन है, डिसीजन सही था या बेकार? डिसीजन बिल्कुल बढ़िया था, जैसा कि भी आपने बोला कि इस बाइक का ओनर ओनर नहीं मैं ये बोलूंगा प्राउड ओनर, इसी बात से आप लोग समझ गए कि भाई क्या रिव्यू होने वाला है। तो भाई इससे ये मत करना कि क्या जिसकी जो कमियां है वो ना बताएं, कमियां बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, कोई इसमें सच कुछ बात नहीं है, जो भी इसमें है कमी वगैरह वो मैं आपको पक्का बताऊंगा। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा क्लियर करो, ये हार्ले में मिलती है हीरो में मिलती है? ये हार्ली में मिलती है, साथ ही साथ में हीरो के कुछ प्रीमियम डीलरशिप अभी खुलने वाले हैं उसमें भी मिलेगी। अच्छा अच्छा, खुल चुका है गुड़गांव में, खुल जाएगा तो फिर तो दिल्ली में भी जल्दी खुली जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने की आपको ये ऑन रोड पड़ी थी और इसका बेस वेरिएंट कितने का है? ये 3.25 की मेरे को ऑन रोड पड़ी थी, ये है इसका टॉप मॉडल। हाँ। बेस वेरिएंट में आप ये 20,000 रुपए कम लगा लो, 20,000 रुपए कम करके मतलब वो 3 लाख अराउंड वो पड़ जाएगी। उसके अंदर क्या नहीं आता? उसमें आपको ऐप कनेक्टेड फीचर्स नहीं मिलेंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हाँ जी, साथ ही साथ में 3D बैजिंग जो है। अच्छा, उसमें बस फॉन्ट आएंगे, मतलब बिल्कुल फॉन्ट आएंगे और स्टिकर वाले में जो सबसे बेस वेरिएंट है। हाँ। उसमें अलॉय नहीं आएगा, उसमें आपको स्पोक्स आएंगे। फिर तो वो रद्दी है, फिर तो लेना ही बेकार है, समझ गए। हाँ, फिर तो वो लो ही मत आप लोग। मिडिल वेरिएंट है, उसमें 2 कलर आते हैं सिल्वर और रेड, उसमें अलॉय भी आता है। वैसे ब्लैक ज्यादा इसका थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। हाँ, ये जो लाइनें दे रखी है ना उन्होंने ऑरेंज ऑरेंज सी, ये और ज्यादा निखर के आती है टैंक को। अच्छा, और कोई बाइक देखी ही नहीं आपने, क्योंकि 3 लाख एक ऐसा प्राइस पीरियड है जहाँ पे आप तो देखो सामने दिख भी रही है, ये इतनी सारी बाइकें आ जाती है। तो पर्टिकुलर हार्ले की तरफ जाने को क्यों मन कर रहा है? क्योंकि हार्ले तो एक ऐसी गाड़ी है सबको पता है हीटिंग इशू भर भर के है, और हार्ले पे लोग इतना ज्यादा भरोसा भी नहीं करते क्योंकि आधा है आधा चला गया। सही बात है। एक्चुअली क्या बात थी, इससे पहले भी मैं हार्ले ही चलाता था, स्ट्रीट 750। तो हार्ले से एक वो बात है कि हर किसी का बचपन का सपना था कि भाई बड़े होकर हार्ले। मैंने ले ली थी 750, उसको मैंने बढ़िया से एंजॉय करा, बट एक राइड पे उसमें कुछ इशू आ गया था, उसका कूलेंट लीक हो गया था। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही राइड से मैं आया आते मैंने नेक्स्ट बाइक सेल आउट कर दी, मेरे मन से वो बाइक निकल गई थी कि भाई खटास आ गई, आ गया प्रॉब्लम, तो भाई नेक्स्ट टाइम के लिए रिस्क नहीं लेना। यही मेरे साथ बेनेली पे हुआ था। बिल्कुल। तो जैसे मैंने बाइक सेल आउट करी, नेक्स्ट डे मेरे को हार्ली में एक भैया है जिनके पास मैं सर्विस करवाता था, उनके पास से मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। इन्फॉर्मेशन कह सकते भाई एक नई बाइक आ रही है X440, उसकी बुकिंग चालू होने वाली है। अच्छा। उनको बोल दिया भाई मेरी बुकिंग डाल देना फर्स्ट, तो उन्होंने मेरी फर्स्ट। अच्छा, ये दिल्ली की पहली भी तो है? ये इंडिया की पहली। अच्छा, इंडिया की पहली है। वैसे अगर अनऑफिशियली देखा जाए तो वो GS पाजी की पहली, क्योंकि उन्होंने हीरो ने ही उन्हें स्पॉन्सर करके दे दी थी गाड़ी। तो ये फर्स्ट मैंने बुक करी थी, और जो GS पाजी है उनकी बाइक की डिलीवरी हुई, साथ ही साथ में मेरी बाइक की डिलीवरी सेम डे सेम टाइम पे। अच्छा, सेम टाइम पे कटिंग हुई। अच्छा, बाइक की हुई चेन कटिंग। अच्छा, प्रॉपर मेटल की चेन कट करवाई थी इनॉग्रेशन पे। ओहो, तो ये प्राउड मोमेंट, तभी प्राउड मोमेंट था।
बहुत अप्रिशिएट भी किया होगा इस गाड़ी को तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पावर में यार मैंने एक चीज देखी कि इसका BHP कम है NM बहुत ज्यादा है, तो इस पे कोई राइड पे फर्क पड़ता है? थोड़ी टॉर्की हो जाती है मशीन। हाँ तो आप जैसे सिटी में चलाते हो, थोड़ा हाईवे पे चलाते हो, तो उसमें फर्क पड़ेगा। आप थोड़ी बाइक को ना खींच अच्छे। मैंने भी देखा, मैंने तीसरे गियर पे भी ऐसी कम लो RPM पे भी ऐसे रेस दिया ना, ऐसे उठती है भाई गोली की तरह। तो भाई मेरे हिसाब से सिटी के लिए ये बेस्ट चीज है कि आपको टॉर्क थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आप आराम से कहीं भी जिगजैग करके सेकंडों में निकल सकते हो उस बाइक। और हाईवे पे तो और मजा बांध देगी, अगर झटके से 100 पे भी रेस दो तो भी फिर अच्छी खासी गाड़ी हो। टॉप स्पीड मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी होगी क्योंकि उसके लिए बनी भी नहीं है। टॉप स्पीड इसकी 149 जो मैंने वीडियोस में देखी है वो है, बट आपने कितनी अचीव करी? मैंने इसको चलाया 135 139 मतलब 140 मैंने इसको टॉप टच करा हुआ। कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब टॉप स्पीड पे कहीं ऐसा लगे वॉबल ऐसा कुछ? क्योंकि इन गाड़ियों में ना क्या है ना, क्रूजर में थोड़ा सा जैसे आपने कभी अगर इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल चलाई हो तो उसमें थोड़ा सा डर सा लगता है टॉप स्पीड। हाँ रोडस्टर कह लो, हाँ विंड ब्लास्ट भी लगता है क्लासिक टाइप। विंड ब्लास्ट लगेगा उसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस है डर हो तो आप उसको आराम से कंट्रोल कर लोगे, कोई इशू नहीं है। चलो और टायर वगैरह का फीडबैक कैसा? क्योंकि अभी अभी एक छोटी सी ट्रिप भी करके आए ऋषिकेश में। बिल्कुल बढ़िया, कोई इशू नहीं आया। आराम से पहाड़ों पे भी कर रहा था, पत्थरों में भी चलाई, वहाँ भी बढ़िया थी। आज मॉर्निंग में लेपर ट्रेल लेकर गया था, वहाँ भी ऑफ रोडिंग करके आया उससे तो बढ़िया वाला। अच्छा दिखने में ऐसा लगता है भाई, एक बार आप खुद देखोगे और से कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी कम है। मुझे भी ऐसा लगता है कि लगा होगा, पर आपने आज ऑफ रोडिंग करी तो उसमें लगी? नहीं कहीं भी नहीं लगी, बट फिर भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर ना लगे नीचे वो लगा हुआ है। एक्सेसरी है नीचे, ये सम गार्ड जो है, इससे आपका एग्जॉस्ट पाइप जो आप इस बाइक का देखोगे ना बैंड पाइप साइड से निकल के ना पूरा बेस से कर्व हो रहा है। तो इसके साथ भाई अभी एक्सेसरीज भी नहीं आई होगी मेरे ख्याल से? नहीं एक्सेसरीज का पार्ट है नहीं, जैसे अगर आपने अगर एग्जॉस्ट लगाना चाहते हो बैंड पाइप भी नहीं मिलेगा इसका? तो बैंड पाइप नहीं मिलेगा बिल्कुल, ये बात तो है, बनवाना पड़ेगा अलग से। एक जगह मेरी बात चल रही है गुजरात में राजकोट में, वो हाँ। इसके एग्जॉस्ट के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो पूरा बैंड पाइप के साथ लेकर आएगा क्योंकि नॉर्मल बंदा तो बना नहीं सकता इसको, और अब इतनी जल्दी मिलेगा भी नहीं इसका। चलो लाइट आप में मैंने देखा अलग से लगवा रखी है, क्या थ्रो बेकार है या कैसा है मतलब? ये जो मैंने एक्चुअली लास्ट मेरी बाइक थी 750 उसी में ये अच्छा फिटेड थी, उसमें दो दिन के लिए उसमें लाइट लगी थी, मैंने उतार ली लाइट, बाइक भी स्विच करनी है। हाँ सही बात है, खर्चा करें तो जब चीजें हैं तो फिर पैसे बेमतलब में क्यों खर्च करने, ये तो खराब बड़े बड़े खराबी होंगी। हाँ। अच्छा अपना फीडबैक कैसा रहा लाइट को लेके पहाड़ों में और सिटी दिल्ली वगैरह में हर जगह? बिल्कुल बढ़िया, अगर ये वाली लाइट ना लगाओगे तो भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। LED लाइट है भाई, प्रॉपर ऑटो लाइट है, आराम से जैसे रात होगी थोड़ा भी अंधेरा होगा अपने आप लाइट इसकी चालू हो जाएगी। अच्छा डायनेमिक हेडलैम्प है इसके अंदर भी? ऑटोमेटिक चालू, अभी बंद रहेंगे रात को ऑटोमेटिक चालू। सही बात। चलो अच्छा वेट भाई कहीं परेशान करता है आपको? अगर आप इसको किसी भी कंडीशन में जैसे अगर हम लेके जाते हैं ऐसे, अगर आप बाइक को चला ऐसे खड़ा करोगे हाँ। आप इसको नॉर्मल बैठोगे तो आपको थोड़ा सा वेट फील होगा, लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट होगी फर्स्ट गियर में आपको वेट बिल्कुल ऐसा लगेगा गायब हो गया बाइक में। अच्छा चलाते समय बिल्कुल फील नहीं होता? बिल्कुल भी फील नहीं होता, आप इसको आराम से ज़िगज़ैग करो कोई दिक्कत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस। अच्छा चलो ये चीज अच्छी है। और अगर इसकी बात करूं पावर वगैरह की, टायर के फीडबैक तो चलो मैंने पूछ लिया, सस्पेंशन कैसे इस गाड़ी के? सस्पेंशन बिल्कुल बढ़िया, सॉफ्ट ही है, हार्ड नहीं, हार्ड नहीं कह सकते, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। चलो अब मीटर में भाई बता दो कि जो टॉप वेरिएंट में क्या क्या चीजें आती है, क्योंकि बेस्ट को हटने हम हटाई थी हमने क्योंकि उसमें तो ये चीजें आती ही नहीं। हाँ। टॉप में क्या क्या मिल जाता है हमें? तो भाई आप यहाँ देखो टैंक के ऊपर एक स्टिकर दे रखा है E20 का, कंपैटिबल है, साथ ही साथ में ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन करोगे, इसका ऐप है कोई पर्टिकुलर? ये आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर आपके फोन के अकॉर्डिंग उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। आप इसकी ऐप डाउनलोड करो HD कनेक्ट, हार्ले डेविडसन कनेक्ट, उसके बाद आप अपने फोन को बाइक से कनेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, लाइक वाइज आप इसमें सबसे पहले तो जियो फेंसिंग लगा सकते हो। ये क्या चीज है? ये आप ये लगाओ कि आपका घर का एक एरिया है, उसके आपने 1 किलोमीटर का रेडियस लगा दिया। हाँ। जैसे ही बाइक उस रेडियस को क्रॉस करेगी आपके पास अलर्ट आ जाएगा। अच्छा मतलब कोई अनवांटेड ये गाड़ी लेके जाता है बिना हमें बताए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी रेंज से गाड़ी दूर चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर फोन कनेक्ट है तो? आप इसमें म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा फोन आएगा आपको इसमें डिस्प्ले में आ जाएगा, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, साथ ही साथ में इसमें एक अच्छा हाँ ये बहुत तगड़ा फीचर है, मैंने आपकी लास्ट वीडियो में देखा था भाई, ये मेरे को लगता नहीं है कि अभी तक की किसी गाड़ी में आया इंडिया की, मतलब जो भी इंडियन ब्रांड है किसी में आया, बताओ भाई अपने इससे। भाई यहाँ पर दे रखा है एक SOS बटन, इस बटन को आप नॉर्मल ऐसे प्रेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये लिफ्ट करना पड़ेगा, सेफ्टी लॉक हट जाएगा, उसके बाद आप ये बटन एक्सेस कर सकते हो। इसको जनरली प्रेस नहीं करना है बिकॉज इस बटन से क्या होगा, जो भी आप ऐप में 2 कॉन्टैक्ट या 3 कॉन्टैक्ट डालोगे अपने फैमिली के फ्रेंड्स के डाल सकते हो, जैसे ही आपने बटन प्रेस करा
उनके पास आपकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, भाई ये बंदा ये बाइक डेंजर में है। हाँ। साथ ही साथ में आपकी लोकेशन भी पहुंच जाएगी। अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशन है ये कि अगर आप कभी गिर जाओ या नशे में हो सकते भाई, जो बंदे वो हरकतें करते हैं, लेकिन उसके भाई ये सब चीजें करने के बाद कभी भी बाइक नहीं चलानी चाहिए। तो उन कंडीशन में ये बटन बहुत ज्यादा काम आएगा। अच्छा, उसके लिए मतलब फोन कनेक्ट होना जरूरी है? फोन कनेक्ट होना जरूरी है, अगर फोन कनेक्ट नहीं होगा तो ये चीजें नहीं चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और आप बता रहे थे इसके अंदर कोई सिम वगैरह भी लगती है? ई सिम का मैंने भी सुना है, लेकिन अभी तक एज सच मैंने क्योंकि इसको इतना एक्सप्लोर नहीं करा। हाँ। टाइम इतना मेरे को लगा नहीं। और अभी पहले यूजर हो तो इतना ज्यादा तो किसी और को भी नहीं पता होगा। सही बात है। मैंने सुना था कि इसमें ई सिम की कनेक्टिविटी, अगर वो हो गया तो उसके बाद आपको फोन कनेक्ट करने की आई डोंट थिंक कोई जरूरत पड़ेगी। हाँ, सही बात है, जब सिम लग जाएगी तो। बिल्कुल। चलो, अच्छा एक चीज और। हाँ बोलो बोलो। व्हीकल की हेल्थ भी आप चेक कर सकते हो, इसके बैटरी वोल्टेज कितनी है, साथ ही साथ में इसमें जो बेसिक चीजें तो ऑलमोस्ट सारी ही हैं, माइलेज वगैरह कर सकते हैं। जैसे मानो कभी कोई एरर आ गया, वो आप डायग्नोस करो, वहां से क्लियर करो, एरर हट जाएगा। अच्छा, कि कहां पे किस जगह में क्या फॉल्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर मीटर यार कुछ छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। बंद होगी ना बाइक तो आपको मीटर अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे ही ऑन होगा ना आपको पता चल जाएगा भाई स्क्रीन है इसकी इतनी, देखने में राउंड है स्क्वायर। वैसे इन बाइकों में ना इतना मैं जानता हूँ कि लोगों को जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मेन कार क्रूज करते हैं, आराम से अपने ग्रुप के साथ राइड करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। फीचर वाले लोग तो फिर उन बाइकों पे जाओ भाई, जिन्हें ज्यादा फीचर चाहिए ना, सारी लेटेस्ट बाइक है। हाँ, जिन्हें फीचर चाहिए। और ये तो इसका फीडबैक भी फास्ट है कि अच्छा है? फास्ट है ना, बिल्कुल फास्ट चार्जिंग। अभी मैं घर से आने में मेरे को लगा होगा लगभग 40-45 मिनट्स, मेरा फोन था 20% के अप्रॉक्स, 87 हो गया, आते 85 प्लस हो गया भाई। चलो, ये तो बढ़िया चीज है। छोटी मोटी टाइप नहीं है ये, देखो यूएसबी है, और यूएसबी भाई देती नहीं है बाइक में जल्दी। ये देखो फास्ट चार्जिंग, अगर सी टाइप होता तो भाई 110 हो जाता, फिर तो तीन चार चीजें कर लो एक बार में चार्ज। चलो, और माइलेज, बस उसके बाद फिर वीडियो एंड करते हैं। माइलेज का क्या फीडबैक है इसकी भाई? 29-30 अभी मेरे को मिल चुकी है इस बाइक में म्यूचुअल चलाने पे। हाँ, कंपनी क्लेम करती है 35 की, वो तो भाई अपने राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये मिनिमम थी कि मैक्सिमम थी? ये एवरेज। अच्छा, मतलब म्यूचुअल थी कि ट्रैफिक भी लो, रेड लाइट भी लो, हाईवे भी लो, सिटी भी लो, डेली यूज के हिसाब से। डेली यूज के हिसाब से अगर सिटी उसमें हाईवे पे चलाओगे तो 2-3 की बढ़ भी सकती है, बढ़ सकती है। वैसे 29 की भी ठीक है यार, 400 cc का इंजन, वो भी हार्ले। सही बात, हार्ले अपने अंदर एक रॉयल्टी आ जाती है, हार्ले मिल जाता है तो। अच्छा, एक चीज आपने अलग से ली थी, वो बता दो लोगों को। ये है एक्सेसरीज का पार्ट है, ये सीट कंफर्ट सीट है, जिसमें कि आपको थोड़े यहाँ पे कुशन एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा बैक में, तो आप चलाओगे बाइक तो आपको एक थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी। जो इसके साथ सीट आती है ना, मेरे को वो थोड़ी परेशान कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो वो स्ट्रेट सीट थी और थोड़ी सॉफ्ट नहीं थी वो। ये एक्सेसरी का पार्ट है, साथ ही साथ में ये लेगगार्ड एक्सेसरी का पार्ट है। अच्छा, वैसे भाई ये जैसे मान लो कह दिया कि हार्ले है और हीरो दोनों का कंबाइन है। हाँ। तो एक्चुअल में अफोर्डेबल है इनके पार्ट्स भी अगर मैं पूछूं तो? हाँ, पार्ट अफोर्डेबल है, ये आप ये लगा के चलो, ये 6000 के अंदर इसकी सारी एक्सेसरी आ जाती है, सारी सारी, उसमें विंडस्क्रीन वगैरह सब चीज आ जाएगी। सर्विस आपने कराई? सर्विस सर्विस इसकी पड़ेगी आपकी 2300 समथिंग की, उसमें आपके लेबर चार्जेस नहीं है, फ्री है। अच्छा, अभी मतलब फ्री वाली सर्विस 23 की है, बाकी 500-600 एड ऑन कर लेना तो फिर तो ठीक है यार। 400 cc की ऑलमोस्ट सारी गाड़ी इतना ही लेती है, 2300-2500 रुपए के आसपास हो जानी चाहिए। कोई पार्ट्स डला नहीं होगा? हाँ जी, कोई पार्ट्स डला नहीं होगा, बस ऑयल फिल्टर डला होगा। ऑयल फिल्टर डला है, साथ में इसमें एक नट होता है, नट उन्होंने शायद चेंज करा था, कुछ उनको इशू। अच्छा, वो लग रहा होगा तो बस इमरजेंसी में कर दिया होगा। वैसे अभी तक रिकमेंड करते हो किसी को कि अगर कोई इन सारी बाइकों को लेने जा रहा है तो वो सारी बाइकें छोड़ के इस बाइक की तरफ पर्टिकुलर चला जाए? तो भाई मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप डेली राइड करते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आप ये बाइक ले सकते हो, बिकॉज आपको एक ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी, लुक्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ में एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक भी मिल जाएगी। आप इसको आराम से सिटी में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवेज के लिए बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप थोड़ी ऑफ रोडिंग करना चाहते हो या फिर बिल्कुल एडवेंचरस बाइक लेना चाहते हो तो भाई ये उस कैटेगरी की नहीं है। हाँ, नहीं, ये स्पेशल बाइक्स आती है, आप उनके ऊपर जाओ, हर बाइक का पर्पस ही अलग है। अगर आपके अंदर भाई क्या नाम है विल पावर है तो आराम से लेके जा सकते हो। आज आराम से लेपर्ड ट्रेल पे गया था, लोग प्लैटिनम से लद्दाख चले जाते हैं भाई, जबकि वही। और बाकी अगर मैं तो ऐड ऑन करता हूँ, अगर पिलियन के साथ आप लोग ज्यादा चलते हो ना तो भी इसकी तरफ चले जाओ, क्योंकि टॉर्क भी अच्छा है, सीट भाई ने, और बहुत सस्ती सीट थी, सस्ती, ये 1400 की सीट है, 1400 की सीट है, कुशनिंग वगैरह सब अच्छी है, आपको बैकरेस्ट वैकरेस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर एडिशनल पार्ट में मिल जाएंगी। और देख लेना भाई अगर न्यू ईयर पे लेने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि दिवाली पे तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने पहले से ही बुकिंग डाल दी होगी, और जो कुछ नहीं पता चला होगा वो इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा। और जो मैं चीज़ें नहीं बना पाता इस बाइक से रिगार्डिंग देखनी है तो भाई के चैनल पर जाके देख लेना, क्योंकि हर एक चीज़ तो हम भी नहीं बता सकते, वो भाई बता पाएंगे इस गाड़ी की सर्विस वगैरह कैसे क्या चीज़ें होती हैं, मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज, वो भाई के चैनल पे देख लेना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। डन, बिल्कुल भाई, ओके जतिन भाई, थैंक यू। चलो भाई, करते हैं इस ब्लॉग को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।